हे हेलो दोस्तों, मैं हूं संभाजी। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली क्या ट्रेड किया, कैसा सेटअप रहा और कल के लिए एक्सपायरी के हिसाब से क्या मूव हो सकता है। देखिए, अब बैंक निफ्टी का जो आज का ओपनिंग था वो लगभग 36,230 के आसपास हो गया था, जो कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ये रेंज है जो 36,300 या 36,200, ये अपर रेंज है। तो बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ और वहीं से देखेंगे आपके लिए वो ही हाई था और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हुआ। तो यदि आप 30 मिनट्स की कैंडल देखेंगे तो वहां से सीधा 36,200 से लगभग नीचे, बैंक निफ्टी नीचे आते आते लगभग 35,550 यानी कि लगभग 700 पॉइंट, 750 पॉइंट ऊपर से नीचे करेक्ट हुआ। अभी देखिए ये क्यों हुआ। देखिए, बैंक निफ्टी कल यहाँ पे क्लोज हुआ था 36,000 के आसपास, अच्छा खासा 200 पॉइंट का, 250 सवा 200 पॉइंट का गैप अप मिला था। और ऊपरी रेंज में जैसे निफ्टी को एक रेजिस्टेंस है, वैसे बैंक निफ्टी को भी रेजिस्टेंस आ रहा था। तो जो जो लोग ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहे थे उन्होंने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया और ये जो प्रॉफिट बुकिंग हो गया वो वहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लगभग 35,800 के आसपास ये रुक जाएगा, बट आप देखोगे तो ये और ज्यादा नीचे गया। और यहाँ से क्या हुआ कि लोगों ने पैनिक में सेलिंग स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए ये जो फॉल था ये 300 250 तक रुका नहीं और ये ऑलमोस्ट 500 550 पॉइंट का फॉल हुआ। बट वहां से आप देखोगे तो ये जो पूरा जोन है हमारा, ये पूरा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। वहां से सपोर्ट लगे बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट अभी 35,800 के आसपास क्लोजिंग दिया है। चलिए देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, कल वीकली एक्सपायरी है, तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड हम लोग को मिल सकते हैं। देखिए, पहली बात, तीन सिनेरियो है बैंक निफ्टी के लिए। एक तो फ्लैट ओपनिंग, दूसरी है गैप अप ओपनिंग और तीसरी है गैप डाउन ओपनिंग। चलिए फ्लैट ओपनिंग के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, यदि बैंक निफ्टी कल इसी रेंज में ओपन होता है, मान लो 35,880 या फिर नीचे आप देखोगे तो 35,700 की रेंज में यदि ओपन होता है, और यहाँ पे जैसे इसने रेंज क्रिएट किया है वैसे इसी रेंज में ओपन होके और थोड़ा कंसोलिडेट करता है ओपनिंग में, ठीक है, ओपनिंग में कंसोलिडेट करके ये रेंज को यदि ब्रेक करता है यानी कि 35,870 की रेंज को यदि ये ब्रेक करता है तो ऊपर में हमारा टारगेट रहेगा 35,36,000 और 36,050। ये दो टारगेट हमारे लिए हो सकते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन हो, कंसोलिडेट करे कुछ देर और यहाँ से गैप अप यानी कि यहाँ से ये जो जोन है इसको ब्रेकआउट दे दे, तो हम लोगों को एक 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। तो दूसरा सिनेरियो हमारे हो सकता है कि यदि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप में मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। गैप अप यदि ओपन भी होता है बैंक निफ्टी तो मैक्सिमम 200 से 250 पॉइंट गैप अप होने के बाद यदि 36,000 36,050 की रेंज में यदि ओपन होता है तो वहां पे मैक्सिमम चांसेस ज्यादा है कि वहां से थोड़ा रिजेक्शन आके बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। नीचे कहाँ तक आ सकता है, इसी रेंज में आ सकता है जहाँ पे हमारा आज का क्लोजिंग है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आ सकता है या फिर ऊपर खुल के आज के जैसा नीचे आ सकता है। तो ये मेरा प्रोबेबल सिनेरियो, ये मेरा व्यू है। हो सकता है कि ये गैप अप खुलने के बाद बहुत अच्छा न्यूज आ गया, कोई अलग बात होने के बाद यदि ये ब्रेकआउट देते 36,050 के ऊपर, बट आपको ध्यान रखना है 36,050 के ऊपर यदि ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर हमारा टारगेट 36,200 और 36,300 हो जाएगा, बट ये अनलाइकली सिनेरियो है। थर्ड सिनेरियो हमारा हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग। चलिए देखते हैं कि गैप डाउन ओपन कहाँ हो सकता है। गैप डाउन हम लोग क्लोज हुए 36,35,800 के आसपास, ठीक है। तो गैप डाउन मान लीजिए ये 200 250 पॉइंट गैप गैप डाउन ओपन होता है, जो हमारा आज का लो था लगभग इस लेवल के आसपास, मान लीजिए 35,550 या 35,600 के आसपास ये गैप डाउन ओपन होता है, तो जैसे आज यहाँ से रिकवरी दिया है वैसे भी कल भी रिकवरी आ सकता है नीचे, यदि बहुत बुरी या फिर बहुत ही कुछ खराब न्यूज ना हो बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे गैप गैप डाउन ओपन होने के बाद कुछ समय कंसोलिडेट करने के बाद 12 बजे या फिर 1 बजे के आसपास निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर स्टार्ट कर सकता है और उस केस में हमारा टारगेट हो सकता है लगभग 35,900 के आसपास यदि यहाँ पे ओपन होता है। तो जैसे मैंने कल बोला था कि बैंक निफ्टी अभी बहुत बड़ा रेंज बना चुका है, बहुत बड़े रेंज में है। आज आज ये हुआ कि उसने दोनों रेंज को टेस्ट किया, ओपन गैप अप ओपनिंग हुआ 36,200 के आसपास और नीचे का जो एग्जैक्ट एकदम वाइड रेंज था जो कि 35,500 ऑलमोस्ट, ये पूरा 700 पॉइंट की रेंज में आज बैंक निफ्टी ने ट्रेवल किया है और हम लोग कह सकते हैं मिड वे ये क्लोज हो चुका है। तो हमारे लिए कल के लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और ये ऊपर निकले, यानी कि 35,850 860 के ऊपर जैसे निकलेगा
हम लोग 35,800 की या 35,900 की कॉल खरीद सकते हैं और हमारा टारगेट रहेगा 36,000 36,050। उसी हिसाब से यदि मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर देता है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो मान लीजिए 35,700 को ब्रेक करता है या फिर 35,750 को ब्रेक करता है, तो हमारा टारगेट रहेगा आज का लो यानी कि 35,500 का। तो यही था एनालिसिस, इसी प्रकार से आप ध्यान रखिए, इस लेवल को थोड़ा याद कर लीजिए। जो लेवल है हमारे ऊपर में टारगेट रहेगा 36,050 का और नीचे में टारगेट रहेगा 35,520 का या फिर 35,500 का प्रिसाइसली। ये नॉर्मल सिनारियो में ये हमारा बैंक निफ्टी का रेंज रहेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको लेवल्स और एनालिसिस का से आपको हेल्प हो रहा होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक।